फ्री में शिपिंग देना चाह रहे हैं कस्टमर को, ये खुद बेयर करना चाह रहे हैं, और होगा हमने 107 यूनिट नहीं बेचने, हमने कंपेटिटर की शुरू में 10-15% अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बेस। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं शकील कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप दराज पे अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अगर वो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद एन सिंगल क्लिक। और उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे जाना है, किसी भी एक रैंडम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारी स्क्रीन के ऊपर एक प्रोडक्ट है, इसको हम देखते हैं कि अगर इसकी हम एग्जांपल के तौर पे कोई फेक या कोई एग्ज्यूम कर लें कोई भी सोर्सिंग प्राइस, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा होगा। आपने सिंपल क्या करना है, दराज सेलर सेंटर की एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने पास, उसे क्लिक करना है, प्रोडक्ट के सेक्शन पे जाना है। अगर आपके पास ये सारा लॉक भी आ रहा हो तो इट्स मीन आप अनपेड यूजर हैं, ये पेड यूजर के लिए सारा का सारा डाटा शो हो रहा होता है कि लास्ट 7 डेज में आपको इतने यूनिट आपके सोल्ड हुए हैं इस प्रोडक्ट के, और लास्ट 30 डेज में इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, और अभी तक ये प्रोडक्ट इतने यूनिट बेच चुके हैं, टोटल ओवरऑल टोटल यूनिट सोल्ड हैं ये, यानी इस वक्त जो मंथली सेल्स है इस प्रोडक्ट की वो 83,000 PKR जा रही है, और तकरीबन 107 यूनिट ये बेच रहा है। तो हमारा जो मेजर कोर होगा, हमने 107 यूनिट नहीं बेचने, हमने कंपेटिटर की शुरू में 10-15% सेल्स लेनी है जो कि होगी 17-25 यूनिट। तो हम अपनी कैलकुलेशन भी 15-25 यूनिट के हिसाब से करेंगे, लेकिन यहाँ पे दराज नेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैलकुलेटर, आपके ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें सबसे टॉप पे पोजीशन पे होगा दराज कमीशन जो कि परसेंटेज में है। ये टूल ने क्या किया, जो दराज को इस सेलर के अगेंस्ट कमीशन जा रही है, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो कमीशन जा रही है इस कैटेगरी की, वो इसने यहाँ पे लिख दी है। इसके अलावा पेमेंट हैंडलिंग फीस जो दराज लेता है किसी भी एक प्रोडक्ट या एक ऑर्डर के अगेंस्ट, वो भी परसेंटेज में 1.75 इसने लिख दी है, ये ऑटो कर दी है, ऑटो फिल कर दी है इसने। सेलिंग प्राइस वो 799 है, 779 है जो कि 789 रुपये है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया माजरत, 779 है जो कि इसकी सेलिंग प्राइस है इस वक्त इस प्रोडक्ट की। वैट वैल्यू एडिड टैक्स होता है जो कि 13% है, 13% इसने ऑटोफिल किया है जो कि है बेसिकली 18% पंजाब का आजकल। इसके अलावा शिपिंग फीस चार्जेस, ये आपने खुद ये बेसिकली एज अ सेलर पे है कि वो फ्री में शिपिंग देना चाह रहा है कस्टमर को, ये खुद बेयर करना चाह रहा है या फिर कस्टमर से लेना चाह रहा है। अगर आपने कस्टमर से लेनी है तो आपने 119 ऑन एवरेज बेसिकली ये होती है जो दराज ले रहा होता है अंडर 500 ग्राम यूनिट के ऊपर। अगर आपकी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो 500 ग्राम से कम है तो ऑन एवरेज इतने शिपिंग चार्जेस कस्टमर को चार्ज होते हैं, तो वो हमने 119 रुपये लगा दिए। इसके बाद आ जाता है परचेजिंग प्राइस जिसे हम सोर्सिंग प्राइस नॉर्मली कहते हैं, आम जबान में इसको सोर्सिंग प्राइस कहा जाता है, परचेजिंग प्राइस कहा जाता है, कीमत खरीद कहा जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें 400 रुपीस की या तो चाइना से मंगवा के पड़ेगी या हमें शालम से लेने के बाद इतने की कॉस्ट करेगी। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस में 30 रुपये ऐड कर दिए। इस 30 रुपये में क्या है, पिक शिप के 15 रुपये हैं जिसमें प्रिंट फ्लायर लेबर कॉस्ट, और बाकी 15 रुपये मैंने क्या कर दिया, वेयर हाउस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, वो सारा कुछ इसमें मैंने ऐड कर दिया। दराज पेमेंट हैंडलिंग फीस जो ऑर्डर हैंडलिंग फीस है वो भी 7 रुपये हो गई है, इसने ऑटो फिलिंग में 5 रुपये ऐड किया था, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसने बता दिया कि आपको इस प्रोडक्ट के एक यूनिट बिकने के ऊपर 140 रुपये प्रॉफिट होगा और आपका जो ROI होगा वो 18.74% है। इट्स मीन ये आपको तकरीबन 19% प्रॉफिट मार्जिन देगा एक यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर, जो कि क्वाइट गुड मेरी नज़र में, ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, आपको स्टार्ट ले लेना चाहिए इस प्राइस के ऊपर। बाद में आपकी सोर्सिंग प्राइस जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, हो सकता है आपको ये बाद में जाके 300 का सोर्स होना स्टार्ट हो जाए, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन 31% हो जाएगा। तो स्टार्ट के लिए ये यही है, हो सकता है इसमें कंपटीशन आ जाए, प्राइस और आ जाए तो इसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाए। सेलिंग प्राइस में कह देता हूँ कि प्राइस और आ गई और इसकी सेलिंग प्राइस है वो 700 से नीचे चली गई और मुझे 300 का कोर्स करा है, फिर भी 26% है,
मुझे स्टार्ट में ये 400 का कोस्ट कर रहा है, तो ये तकरीबन 12% है, तो 12% मैं रिकमेंड नहीं करता, अराउंड 20-30% के दरमियान होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपका माइंड सेट कर देता है कि अगर ये प्रोडक्ट 700 पे भी बिकेगी और मुझे ये 400 रुपए की कॉस्ट करेगी, देन भी मुझे 12% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा। बेसिकली इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 700 से 800 के दरमियान वेरी करेगी, और आपको अगर सोर्सिंग प्राइस 400 की कॉस्ट करी है, तो आपका जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन होगा वो क्या होगा। ये पहले से आपको एक प्रोडक्ट की PhD हो जाएगी उसकी सोर्सिंग के ऊपर, कि मुझे इसकी मिनिमम प्राइस क्या सेट करनी है, मुझे इससे नीचे नहीं जाना, मुझे अगर इससे नीचे बाकी लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया है तो मुझे जस्ट अपना स्टॉक आउट होना है और नई प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली इसीलिए होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन आ जाए तो आप उससे पहले अपने बैकअप एसेट्स तैयार कर लें। अगर एक प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा अभी प्रॉफिट दे रही है, हो सकता है देखते देखते 4-5 और उसके ऊपर कंपेटिटर आ जाए, एक आधा इंपोर्टर आ जाए, एक आधा मैन्युफैक्चरर आ जाए, तो उसके ऊपर क्या होगा, प्राइस वॉर होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मेरा सारी की सारी डिपेंडेंसी डिपेंड होगा मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मेरा पूरा का पूरा कारोबार एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होगा, तो मैं क्या करूंगा, बहुत जल्दी कोलैप कर जाऊंगा। और अगर वही मेरी सारी की सारी जो मेरी इनकम है वो मल्टीपल स्टोर्स या मल्टीपल SKUs या मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर से आ रही होगी, देन क्या होगा, एक के ऊपर कंपटीशन आ जाएगा तो मेरी दूसरी मेरे इनकम जो होगी दूसरी जगह से वो मेरा अखराजात को बर्दाश्त कर लेंगे, और सेम टाइम पे मैं नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा हूँ जो कि नए प्रोडक्ट के ऊपर से मुझे और कुछ ना कुछ थोड़ी मिकदार में मुझे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा होंगे। तो ये एक कंटिन्यूसली वो कहते हैं कि प्रोजेक्शन है, काम है कि आपने नई प्रोडक्ट हर 2-3 महीने बाद नई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है और उन्हें लॉन्च कर देना है। पिछली प्रोडक्ट भी चल रही होंगी, न्यू प्रोडक्ट भी आती होंगी, तो इसी तरह आपकी ग्रोथ होगी। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।